गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज की इस वाले वीडियो पे हम बनाने वाले हैं एचओ स्केल के व्हील्स। अब एचओ स्केल के हमने ट्रैक्स बनाए थे फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि देखा था। सो गाइस आज की इस वाले वीडियो पे हम एचओ स्केल मतलब की 1:100 रेशो के व्हील्स बनाने वाले हो जो की लोकोमोटिव के लिए होने वाला है। फ्रेंड्स इसमें आप 9mm 10mm और 11mm अलग अलग प्रकार के व्हील्स बना सकते हो। और जैसे कि आपको पता होगा ICF में हम 8mm के व्हील्स यूज कर सकते हो ICF कोच के लिए और LHB कोच के लिए 9mm और 11mm फॉर लोकोमोटिव। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 11mm के व्हील्स बनाए क्योंकि मैं अब एक लोकोमोटिव बनाऊंगा एचओ स्केल में। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि डायरेक्ट लोकोमोटिव क्यों बना रहे हैं। फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट ही लोकोमोटिव बनाऊंगा आपकी बात ठीक है। सो उसके लिए मैंने ये व्हील्स बना लिए हैं बट इसकी वीडियो आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। व्हील्स अभी जब तक के लिए हम बना के रख देते हैं बट उसकी वीडियो नेक्स्ट मंथ ही आ पाएगा ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ सामान लेने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक अपेक्स सिंक का पेन लेने वाला हूँ जो कि इसका डायमीटर होता है फ्रेंड्स 7mm और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पेपर स्ट्रिप ले रहा हूँ जो कि 3mm की है और इसकी लेंथ फ्रेंड्स 32 सेंटीमीटर होने वाली है। तो गाइस आपको क्या करना है स्टेशनरी शॉप पर जाना है और स्टेशनरी वाले को बोलना है 3mm का क्वेलिंग स्ट्रिप दे दे। तो वो समझ जाएगा कि क्वेलिंग स्ट्रिप ही एक पेपर स्ट्रिप है तो वो आपको क्वेलिंग स्ट्रिप दे देगा। तो आपको क्या करना है एक पूरा पैकेट ले लेना है जो कि फ्रेंड्स 20 रुपीज़ का आपको मिलने वाला है क्वेलिंग स्ट्रिप का पैकेट। तो गाइज यहाँ पे अभी क्या कहूँगा मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ ठीक है और पेन के ऊपर अभी हमें इसे रोल करना है। तो पहले क्या करेंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा पेपर के ऊपर ग्लू लगा देते हैं जिससे कि क्या होने वाला है ये चिपक जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा ग्लू लगाएंगे तो चिपकेगा ही और क्या होएगा ठीक है। तो अच्छे से पहले यहाँ पे ग्लू लगा चुका हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे पेन के ऊपर रोल करेंगे। अब रोल करने से क्या होगा रोल करने से फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला कि इसका बस जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज होने वाला है ठीक है। आप बाकी थोड़ा सा मोटा है या होगा कुछ आपके पास पेन तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो बट हम यहाँ पे पेपर का यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा मोटा करने के लिए मतलब इसका डायमीटर इंक्रीज करने के लिए। तो गाइस जैसे कि देख पाओगे मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जिससे कि क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और ना ही मेरा होगा ठीक है। तो फिर से मैंने क्या किया ग्लू लगा के फिर से अच्छे से इसे चिपका दिया है। तो गाइस ये हमारा एक डिस्क टाइप का रेडी हो चुका है रिंग टाइप का भी कह सकते हो ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में LP डाल देना जिससे कि क्या होगा इसका जो पावर होगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है। तो आपको इसका पावर इंक्रीज करना तो प्लीज़ यार LP डाल देना जिससे कि क्या होगा पावर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको इसके बैक साइड में भी करना होगा जिससे कि क्या होगा फ्रेंड्स इसका दुगना पावर हो जाएगा। तो आपको भी ये कर देना जिससे कि इसका पावर दुगना होने वाला है तो बहुत बढ़िया व्हील्स इससे बनने वाले हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये दोबारा रिंग ले लिया मैंने और पेन के अंदर दोबारा मैंने लगा दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको फिर से इसे LP की सहायता से चिपका लेना है जो कि बहुत ईजी वे में आप चिपका सकते हो ठीक है। तो ये चिपकने के बाद आपको क्या करना है एक ज्वेलरी सो लेना है या कोई भी आप कटिंग टूल ले सकते हो और उसे इसे काट लेना उसी चीज़ से ठीक है। बहुत इजी वे में कट जाएगा तो जल्दी जल्दी मैं इसे काट लेता हूँ ज्वेलरी सो के सहायता से। आप कोई और टूल का भी यूज़ कर सकते हो वो आपकी मर्जी या जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो उससे पहले मैं इसे कट कर देता हूँ ठीक है। तो ये कट हो चुका है तो अभी मैं इसे थोड़ा टेढ़ा करूँगा तो ये निकल चुका है बाहर। तो गाइस ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा ना देखने में यार क्या करें यार। तो चलते हैं एक लेथ मशीन वाले के पास। तो लेथ मशीन वाले के पास चलते हैं और इसे अच्छे से मैं घसवा के लेके आने वाला हूँ। तो गाइस लेथ मशीन वाले के पास आ चुके हैं फ्रेंड्स और लेथ मशीन को थोड़ा सा चालू कर देते हैं ठीक है। ये लेथ मशीन का वीडियो जल्दी आएगा मेरे दूसरे चैनल पे अड्डा जूनियर साइंटिस्ट वाले चैनल पे। तो उस लेथ मशीन के अंदर भी हम क्या करेंगे ये जो हमारा व्हील है उसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा लेथ मशीन की तरह अब वर्क करने वाला है एक व्हील मशीन।
ठीक है। तो ये अच्छे से इसके अंदर मैंने होल वगैरह भी कर दिया, मतलब होल हो चुका है अपने आप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको फिनिशिंग करने के लिए, मैं यहाँ पे क्राफ्ट नाइफ ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अच्छे से रगड़ोगे तो क्या होगा फ्रेंड, एकदम स्मूथ हो जाएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्मूथ कर देता हूँ अच्छे से, तो आपको भी वैसे ही कर लेना है, ये बहुत आराम से बन सकता है ये व्हील। अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स ये आप एक व्हील एक या दो रुपये में बना सकते हो, इतना चीप प्राइस है फ्रेंड्स। अगर वही आप ऑनलाइन परचेज करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, इसके उल्टी साइड भी इसे एकदम स्मूथ कर लेना है। तो गाइस ये स्मूथ हो चुका है। अब फ्रेंड्स बात आई फ्लेंज की, फ्लेंज कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो अब उसका भी तरीका निकाल लिया फ्रेंड्स मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, 22 गेज का कॉपर वायर यूज करने वाला हूँ। आप यहाँ पे 24 गेज का भी यूज़ करते हो और 20 गेज का भी वायर यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, ये कॉपर वायर को एज अ फ्लेंज यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज अभी हम क्या करेंगे, इस व्हील का फ्लेंज बनाने वाले हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बैकवर्ड पोर्शन में कोई भी आप यहाँ पे टाइल्स रख सकते हो या ईंट रख सकते हो, मतलब ईंट वाला नहीं, ब्रिक वाला नहीं, मतलब टाइल्स वाला जो एक आता है ईंट, मतलब कि उसे मेरे को भी नहीं पता उसका नाम, आप वो रख सकते हो या लकड़ रख सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो टेबल या जिस पे भी आप काम कर रहे हो वो ख़राब नहीं होने वाला है। तो गाइस अच्छे से मैंने यहाँ पे ट्विजर की हेल्प लेके अच्छे से इसे एल्फी की सहायता से चिपका लिया है। तो गाइस आपको भी ऐसे ही चिपका लेना है, तो ये हमारा फ्लेंज भी रेडी हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा आप इसके ऊपर पावर लगाओगे ना तो ये हमारा व्हील इस लकड़ के ऊपर से बाहर निकल जाएगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट रह गया था वायर का वो भी काट करके मैं इसे अच्छे से चिपका लूँगा बहुत ईजीली। तो गाइस दोबारा लेथ वाले मशीन के पास आ गए हैं, तो फिर से लेथ मशीन के अंदर इसे डाल देते हैं। तो ये कुछ इस हिसाब से डल चुका है, तो फिर से इसकी फिनिशिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी मैं फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लेंज की फिनिशिंग करने वाला हूँ, क्योंकि आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो अच्छे से आपको इसका फिनिशिंग कर देना है, जिससे कि क्या होगा एकदम फ्रेंड्स रियल स्टिक लगने वाला है ये लोकोमोटिव, मतलब लोकोमोटिव नहीं व्हील। तो अच्छे से आपको रियल स्टिक बनाना है तो अच्छे से बना ही लेते हैं। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे क्राफ्ट नाइफ ब्लेड का यूज़ करके इसकी फिनिशिंग भी कर दी है, तो आपको भी कर लेना है ऐसे ही अगर आपको बनाना है तो जल्दी जल्दी से इसे मैं इसकी फिनिशिंग वगैरह कर देता हूँ, ठीक है। जब तक के लिए मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ, आप जब तक के चैनल को प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स जल्दी आप करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अच्छे से मैं इसकी फिनिशिंग वगैरह दे देता हूँ, ठीक है, क्राफ्ट नाइफ ब्लेड के ऊपर, ठीक है। आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है कि अगर आप क्राफ्ट नाइफ ब्लेड का यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सैंड पेपर भी यूज़ करना है। तो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका रियल लुक देने वाला हूँ, ठीक है। एक क्राफ्ट नाइफ के द्वारा बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, डिज़ाइन टाइप का रहता है, उसे ही कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूँ कि ये वाला प्रोसेस अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया है, क्योंकि इतने छोटे व्हील्स में फ्रेंड्स इतना अच्छा डिटेलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस हम इस चैनल पे इसकी डिटेलिंग वगैरह मैंने कर दी है व्हील्स के अंदर जो गैप होता है वो। तो गाइस उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सैंड पेपर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 80 नंबर का सैंड पेपर है, रेड मार्क बोलते हैं इसे फ्रेंड्स, और वही मैंने ले लेता हूँ और इसे अच्छे से फ्रेंड्स फिनिशिंग दे दूंगा मैं। तो गाइस आपको भी ऐसे ही अच्छे से फिनिशिंग दे देना है, जिससे कि क्या होगा एकदम बढ़िया देखने में लगने वाला है ये व्हील। तो गाइस आप भी इसे घर पे बहुत इजीली वे में बना सकते हो और फ्रेंड्स ये 2 रुपये में बन जाता है। तो गाइस ये व्हील हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो गाइस आपको एक और ऐसा ही व्हील लेने वाला है, ठीक है, जिससे कि ये ट्रैक पे रन करेगा, क्योंकि सिंगल व्हील कभी भी ट्रैक पे रन नहीं कर सकती फ्रेंड्स। तो मैं अभी इसका दूसरा भाई भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा भाई लेने के बाद क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये दूसरा भाई भी आ गया हाथ में, फिर दूसरा भाई आ गया, ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, भाई भाई की दोस्ती करवा देते हैं एक एक्सल रोड के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तरफ मकी 2.6 सेंटीमीटर का 2 mm का एक्सल रोड लेने वाला हूँ, जो कि मेटल का रोड है फ्रेंड्स 2 mm का, जिसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स 2.6 सेंटीमीटर है। और इसे मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से नापने के लिए फ्रेंड्स मैं HO स्केल का ट्रैक लेने वाला हूँ,
जो कि हमने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में देखा था कि इसे कैसे बनाना है। तो गाइज वही वाला ट्रैक मैंने ले लिया है और इसके ऊपर मैं अभी देख लेता हूँ फ्रेंड्स कैसे इसे रखना है इसके ऊपर। तो अच्छे से इसके ऊपर रखने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको एलपी भी डाल लेनी है, जिससे कि क्या होगा फ्रेंड्स ये हिलेगा नहीं, मतलब कि इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा लाइट मतलब कि हल्का लग रहा था, मतलब कि घूम जाता था। तो गाइज मैंने इसके बारे में कुछ नया तरकीब सोचा, तो ये व्हील्स हमारा रेडी हो चुका सोचते सोचते, तो बहुत बढ़िया व्हील्स है ठीक है। तो अच्छे से मैं एलपी डाल के इसको चिपका भी देता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही चिपका लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करूँगा मैं इसको रनिंग टेस्ट वगैरह भी करके आपको मैं दिखा दूँगा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जाके सेट कर देना है, जिससे कि ऐसी ही कोई वीडियो आपको मिले तो मेरा नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, तो और आप उस वीडियो को देख सको। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो एकदम बढ़िया से ये व्हील्स वर्क कर रहा है। तो गाइस आपको मैं इसकी पूरी टेस्टिंग वगैरह करके दिखा देता हूँ। तो गाइस व्हील्स बनाया लेकिन फोटो शूटिंग ना हुई, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे अभी जो वीडियो आएगी हल्के से थोड़ी दूरी पे है वो वीडियो, उसके ऊपर मैं आपको फ़ोटो भी इसकी देने वाला हूँ ठीक है। तो ये एकदम स्क्रीन पे देख लोगे एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है, थोड़े बहुत रेलिंग होते रहते हैं, तो उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारे ट्रैक की वजह से हो रहा है क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये हमारा व्हील्स रेडी हो चुका है कम्प्लीटली, तो अब लेट्स हैव अ फोटो शूट। The life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighs the person you are. So guys, ये आपको व्हील्स कैसे लगे मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो भी कैसा लगा आपको कमेंट में बता देना। अगर कुछ भी खराबी लगती है इस वीडियो में तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसे इम्प्रूव कर सकूं। सो फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है थोड़ी सी अलग होगी। हम जो बड़े वाले व्हील्स बनाए थे ना उसके ऊपर यह अलग तो नहीं है, बट अलग होगा। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।